सोलर पैनल्स के बहुत सारे वीडियो हम दिखा चुके हैं, लिथियम बैटरी के, लेटेस्ट बैटरी के बहुत सारे वीडियो हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन लिथियम बैटरी का अगर मैं बात करता हूं तो लिथियम बैटरी आज के ज़माने की सबसे टॉप बैटरी मानी जाती है, जिसके लाइफ साइकिल लगभग 3000 से 4000 होते हैं। लेकिन उससे भी, या फिर ये कहें कि लिथियम बैटरी का भी बाप इस समय आ चुका है, ये मेरे पास आप इस समय देख रहे हैं, ये इन्वर्जी कंपनी का सुपर कैपेसिटर है। ये सुपर कैपेसिटर है और इसका जो लाइफ साइकिल है वो आप यकीन नहीं करेंगे, 5 लाख लाइफ साइकिल है। जहां लिथियम बैटरी का लाइफ साइकिल 3000 से 4000 होता है, वहां इसका लाइफ साइकिल 5 लाख है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि लिथियम बैटरी को चार्ज करने में आपको 2 से 3 घंटे लगते हैं, जबकि इसको चार्ज करने में केवल 40 से 45 मिनट ही आपको लगेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर लिथियम बैटरी की बात करें या फिर लेड एसिड बैटरी की बात करें, उसे आप एक बार चार्ज करने के बाद में जब अपने घर पर रख देंगे तो 2 से 3 दिन में वो डिस्चार्ज हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको एक बार चार्ज करके अपने घर पर रख भी देंगे तो भी ये करीब 3 महीने बाद डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। इसकी लाइफ करीब 50 साल के आसपास इसकी लाइफ होगी। बहुत ही ज़्यादा पावर में ये आ चुका है। ये छोटी सी बैटरी आपको 5 किलोवाट में मिल सकती है और इनके पास जो कस्टमर सोल्यूशन होता है, आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बैटरी ले सकते हैं। इसकी लाइफ की मैं बात करूँ तो 50 साल मैंने आपको बताया है, और 50 साल की ही इंसान की लगभग 50 से 60 साल की इंसान की ज़िंदगी मानी जाती है। तो इसका मतलब यह है कि आप एक बार बैटरी खरीद कर पूरी ज़िंदगी आप उस बैटरी को यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी इसकी खास बात है, ये लॉन्च भी हो चुकी है और मार्केट में भी आ चुकी है। तो आप इसे कहाँ से खरीद सकते हैं, कितने रुपये में खरीद सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो मेरे साथ सने सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार सर, थैंक यू। आपका सुपर कैपेसिटर मैं देख रहा हूँ, मैंने पिछली बार भी आपका एक वीडियो बनाया था, लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे कि जिस तरह से सुपर कैपेसिटर एक संग चार्ज होता है तो उसी तरह से बहुत ही स्पीड से डिस्चार्ज हो जाता है। तो पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगा, फिर इसके बारे में बताएं। सर मेरा नाम संजय शाह है, हम लोग इन्वर्जी के सर्विस मार्केटिंग पार्टनर हैं। पूरे इंडिया में इन्वर्जी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, जो भी इनोवेटिव प्रोडक्ट हैं, जैसे सुपर कैपेसिटर है, लिथियम आयन बैटरी है और हाइब्रिड इन्वर्टर और ग्रिड टाइडेंट है, तो हम उनका पूरे इंडिया में मार्केटिंग करते हैं। जो हमारा रीज़न ऑफ वर्किंग रीज़न है ऑल ओवर इंडिया, स्पेशली आप कह सकते हैं साउथ है, जम्मू एंड कश्मीर है, और पूरे इंडिया में हम अवेलेबल। हमारा खुद का ऑफिस है, मेरा नाम संजय कुमार शाह है और मैं सन 24 सोलर सॉल्यूशन से बोल रहा हूँ। हम इनके मार्केटिंग पार्टनर हैं, हम पूरे इंडिया में ये सप्लाई करेंगे, आपको जो भी सर्विस होगी वो प्रोवाइड करेंगे। ये हमारे पास जो अभी इस समय आप बैटरी देख रहे हो, 10 किलोवाट आवर की बैटरी है। हमारे पास 2 सोल्यूशन है, 1 5 किलोवाट आवर, 10 किलोवाट, और उसके बाद कस्टमाइज सोल्यूशन है। सबसे छोटी में मतलब 500 वाट आवर 12 बोर्ड से लेके 500 वाट आवर 48 बोर्ड में, जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी या जिस तरह का बैकअप रिक्वायरमेंट होगा उस तरह का हम सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। फिक्स नहीं है वोल्टेज बैटरी की, आपको 10 किलोवाट की मिलेगी, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है, जितना बैकअप चाहिए, क्योंकि इसमें डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें बैटरी कितनी लगेगी, जिस प्रकार की बैटरी लगेगी हम वो डिज़ाइन करके आपको देंगे, पूरा डिज़ाइन करके टेस्ट करके आपको हम देंगे। अगर आपको इसके अलावा भी अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप हमारे सर्विस सेंटर में आ सकते हैं। सर हम थोड़ी सी इस बैटरी के बारे में बात कर लें, तो जैसे आपने बताया था कि 10 किलो वाट की बैटरी है, कितने वोल्ट में है सर, कितने? ये 48 वोल्ट में है, तो ये 10 किलो वाट लगभग 200 एच आप कह सकते हो जी। अच्छा सर, ये लाइफ क्या है इसकी? इसकी लाइफ 45 आवर्स की तो डिज़ाइन लाइफ है, उसके बाद भी ये चलेगी जब तक चल सकते हैं। हम आपको रिकमेंड करते हैं कि 45 साल की इसकी डिज़ाइन लाइफ है। हम वारंटी 10 साल की स्टैंडर्ड वारंटी है और 25 साल तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब जो भी एक्सटेंडेड वारंटी का कॉस्ट होगा वो आप बढ़ा के आप दे सकते हो, मतलब वारंटी 25 साल तक भी मिल सकती है? मिल जाएगी, हाँ। हम बहुत सी कंपनी को हम 25 साल की वारंटी के साथ देते हैं इसकी, इसको देते हैं। अच्छा, जैसे सर हम सुपर कैपेसिटर की ही दोबारा बात कर लें, तो सुपर कैपेसिटर का जैसे जिस तरह से लोग बोलते हैं भाई कैपेसिटर की तरह काम करेगा, तुरंत चार्ज हो जाएगा, तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगा, उसके बारे में थोड़ा समझा दें सर, क्या इस बैटरी में ऐसे आपने रोकथाम किया जो डिस्चार्ज ना हो? हाँ, जनरली कैपेसिटर के बारे में ये सब लोग जानते हैं कि कैपेसिटर चार्ज हो जाता है जल्दी, जितनी जल्दी चार्ज होता है उतनी जल्दी ही डिस्चार्ज होता है। बट इसी को टेक्नोलॉजी डॉक्यूमेंट हमने सुपर कैपेसिटर बनाया। इसमें स्पेशल टाइप के जो कैपेसिटर बनाते हैं, ग्रेफाइन को हम उसका यूज़ करते हैं। ग्रेफाइन एक्चुअली चार्ज होल्ड करने के काम आता है। तो अगर इस तरह के जो कैपेसिटर है जो ग्रेफाइन से बनते हैं, जो हमने स्पेशल इसकी टेक्निक को डेवलप किया और डिज़ाइन किया है और इस पर हमारा पेटेंटेड है, उसमें
अगर आप इसको एक बार 100% चार्ज कर दें तो अगले 3 महीने के बाद भी इसे यूज़ करेंगे तो आपको 100% ही कैपेसिटी मिलेगी, 99% या 90% या 80% नहीं मिलेगी, जो कि बाकी बैटरियों में जैसे सील्ड मेंटेनेंस बैटरी या लेड एसिड बैटरी मिलती है वैसा नहीं मिलेगा, आपको 100% ही मिलेगी। इसी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, वही टेक्नोलॉजी डेवलप करके पूरा टेस्ट करके पिछले तीन साल से हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट करने के बाद ही हमने इसको मार्केट में लॉन्च किया। अब बहुत सारे इंस्टॉलेशन है, जब हमारे पास आप अगर आते हैं हमारे सर्विस सेंटर पे या हमारे ऑफिस मार्केटिंग ऑफिस में आते हैं तो हम पूरा आपको टेस्ट करके दिखाएंगे, डिस्चार्ज करके दिखाएंगे, चार्ज करके दिखाएंगे कि हम कितने टाइम में कितनी जल्दी से जल्दी चार्ज कर सकते हैं। तो आपको जहाँ पे आपको अगर आपको 100 किलोवाट आवर का बैकअप चाहिए उसमें आपको स्मॉल बैकअप चाहिए, यानी सेम जो आपको बैकअप के लिए छोटी बैटरी चाहिए, छोटे सुपर के, क्योंकि क्विक चार्ज और क्विक डिस्चार्ज होता है। नॉर्मली बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज करने के लगभग एक दिन का चाहिए, 8 से 10 घंटे का आपको चार्जिंग चाहिए और उसके बाद डिस्चार्ज करने में आपको 4 घंटे चाहिए, तो लगभग एक दिन का चाहिए। बट इसको पूरे दिन भर में 4 बार चार्ज कर सकते हैं, यानी छोटी बैटरी से आप पूरा अपने बैकअप को चला सकते हैं। लाइफ साइकिल क्या सर, टोटल इसे कितने बार चार्ज डिस्चार्ज? इसकी जो इसमें एक खास बात और है, इसको जो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज अभी आपने देखा होगा 70% लगभग लेड एसिड और SMF बैटरी का होता है, लिथियम आयन बैटरी 80% तक आप डिस्चार्ज करते हैं, DOD जो 80% होता है, इसमें डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज 100% है। दिस इज द खास बात, यानी आप अगर आपने 10 किलोवाट आवर है तो आप इसको 10 किलोवाट आवर एज ए बैकअप यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 80% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज तो आप 8 किलोवाट आवर की एनर्जी यूज कर पाएंगे, आप 10 किलोवाट की एनर्जी आप यूज कर सकते हैं, पूरा जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया पूरा 100% यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका डेप्थ ऑफ DOD 100%। हाँ सर, लोगों की ये शिकायत थी, लोगों का ये कहना था कि भाई लगभग साल में 2 बार ये वीडियो चल जाता है और मार्केट में कभी बैटरी देखने को मिलती ना, लेकिन जैसा आपने अभी बताया कि 3 साल से आप इसे केवल टेस्ट ही कर रहे हैं। टेस्ट करके बड़ी बड़ी बहुत सारी कंपनियों जो रिप्यूटेड कंपनी है या जैसे जो टेलीकम्युनिकेशन के टावर्स होते हैं हमने उनको सप्लाई किया है, वो ऑलरेडी 1.5 साल से यूज कर रहे हैं और धीरे धीरे जैसा जैसा उनका फीडबैक आ रहा है मार्केट में एक्सेप्टेंस आ रही है। बहुत लोगों के मन में था कि ये बहुत जल्दी डिस्चार्ज नहीं, ऐसा नहीं, डिस्चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कंट्रोल करना में इसको इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ होता है उसको हमने पूरा कंट्रोल किया है। 3 साल से हम इसे इंडिया में यूज़ कर रहे हैं और जितने भी टावर्स में हम लगा रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन टावर, आप इसको टेलीकम्युनिकेशन टावर लगा सकते हैं। UPS की जो बैटरी आपको हर 2 साल 3 साल में चेंज करनी पड़ती है, जो आपके बहुत जो सर्वर रूम्स के UPS होते हैं, आप एक बार लगा के अगले 25 साल तक इसको यूज़ कर सकते हैं। 25 साल तक आपको बैटरी चेंज करने के लिए, यानी बैटरी में एक धमाका है, बैटरी में एक मतलब बैटरी का एक नई चीज़ आई है जो अगले 25 साल तक आपको कोई अपना हार्डवेयर चेंज नहीं करना पड़ेगा, कोई भी आपका इन्वेंट्री नहीं करना पड़ेगा, कोई आपका इसमें सारा आपको डिस्प्ले में दिखाएगा कितना चार्ज है, कितना डिस्चार्ज है, किस परसेंट से है, आप मोबाइल रिमोट मॉनिटरिंग सब कुछ एक एक बैटरी का एक सेल का आप देख सकते हैं, कैपेसिटर को आप मॉनिटर कर सकते हो। सर आपने अभी बताया 25 साल तक या फिर 25 साल तक हम वारंटी देते हैं, 45 ईयर्स इसका लाइफ साइकिल मतलब डिज़ाइन लाइफ है, 45 साल के बाद भी चलेगा और 5 लाख साइकिल और रिसाइकिल हो सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं सर कि 45 साल तो इसकी आप बता ही रहे कि चलेगा, लेकिन 50, 55, 60 भी एक्चुअली, क्योंकि हमारी लिमिटेशन इसके इलेक्ट्रॉनिक्स में है, जो इसका कैपेसिटर है वो तो 45 साल चलेगा, क्योंकि हमारी लिमिटेशन जो इसको इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको 25 साल तक या 45 साल तक वारंटी नहीं दी जा सकती, उसको कॉस्ट को कवर करने के लिए हम एक लिमिट करते हैं वारंटी की, 25 साल तक की वारंटी एक्सटेंड करा सकते हैं। अच्छा, सर मैं ये और वारंटी ही इसकी 10 साल है। मैं ये और मालूम करना चाह रहा सर कि जैसे इस बैटरी को ले लेते हैं तो इन्वर्टर भी लेना पड़ेगा, ये डायरेक्ट ही काम करेगी? किसी भी टाइप का इन्वर्टर हो जो आप यूज़ कर रहे हो ऑलरेडी आपके प्रीमाइसेस में लगा हुआ है, आपके ऑफिसेज में लगा है, आपकी फैक्ट्री में लगा है, अपनी पुरानी बैटरी अगर आपकी आपको रिप्लेस करना चाहते हो विद अ 25 साल वारंटी के साथ बैटरी वाली, 45 साल जिसकी डिज़ाइन लाइफ है और 5 लाख जिसके इसके साइकिल्स हैं लाइफ साइकिल। ये और मालूम करना चाह रहा था जैसे कोई स्पेशल ही इन्वर्टर होगा जो इसे 40-45 मिनट में चार्ज कर देगा, हर कोई इन्वर्टर कर देगा? एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मल इन्वर्टर में लिमिटेशन होती है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की, अगर आप नए प्रकार के इन्वर्टर लेते हो तो अपने आप ही चार्ज कर देगा। ठीक है जी सर। अच्छा सर ये और बताएं कि आपने जो अभी ये सुपर कैपेसिटर मतलब मार्केट में आ चुका है आपका, तो कहाँ कहाँ पर मिल सकता है ग्राहकों को या ऑनलाइन खरीद सकते हैं? सर ये हमारा जो ऑफिस अभी है, हमारा नोएडा में जो इन्वर्जी का ऑफिस है वो नोएडा 1 में है,
हमारा जो हम उनके मार्केटिंग पार्टनर हैं पूरे इंडिया में, हम ये सप्लाई करेंगे उनके थ्रू। ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है कि आप उनको एक दिन दो दिन टेस्ट करके लोड पे लगा के चार्ज करके डिस्चार्ज करके सारी फैसिलिटी हमने बना के रखी, सेटअप बना रखा है, कोई भी किसी मेरे लोकेशन पे आके टेस्ट कर सकता है। अच्छा सर, अब इसकी खास बात तो बहुत सारी होगी, इसकी कीमत क्या है सर? अगर हम 10 किलोवाट आवर की कीमत बताएं तो 10 किलोवाट आवर की कीमत लगभग 6.5 लाख रुपये है प्लस GST। और मतलब 10 किलोवाट के 6.5 लाख होगी सर, अगर कोई छोटा लेगा तो पर उसके हिसाब से पर वाट के हिसाब से दे रहे हैं या फिर वैसे ही फिक्स रेट है? नहीं, फिक्स रेट है, अभी हमने फिक्स रेट का, जैसे जैसे मास प्रोडक्शन होगा, जैसे जैसे मास डिमांड आएगी तब रेट में थोड़ा से कम होगा, फ्यूचर में आपको बेस्ट प्राइस पे मिलेगा जी। अच्छा सर, कोई अपना वेबसाइट को कॉन्टैक्ट नंबर बता दें सर, जिससे लोग आपसे संपर्क कर सकें। हाँ, जो इनवर्जी का अपना वेबसाइट है, मेरा जो वेबसाइट है sun24solar.com पे आप जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, sun24solar.com के नाम से, या आप कर सकते हैं sun24solar के नाम से। मेरा नाम संजय शाह है।